हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल तारी। सो आज है हमारा डे 10 ऑफ 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन और आज हम लोग कर रहे हैं अपर बॉडी एंड आज हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं शोल्डर्स। सो गाइस, आप देख रहे हैं दिस इज़ माय थर्ड सेट ऑफ सीटेड शोल्डर प्रेस विद डंबल्स। दिस आर 100 पाउंड डंबल्स एंड यू कैन सी इट इज़ फुल रेंज। डंबल्स को आपके कान तक लाना है and control negative, it should be slow down and fast up and complete failure tak jana bahut zaruri hai. So this is my first compound movement for the shoulders, complete failure. Then second exercise we are going on, this is again compound movement and this is Arnold shoulder press with dumbbells. So my compound movements ka rep range basically 6 to 8 reps ke beech mein hi rehta hai एंड आई ट्राई टू गो एज हैवी एज पॉसिबल एंड कम्प्लीट फेलियर। एंड हर एक कंपाउंड मूवमेंट्स का आई डू थ्री वर्किंग सेट्स एंड सिर्फ पहले एक्सरसाइज में आई डू माई वार्म अप सेट्स, बाकी पूरे वर्कआउट में कोई भी वार्म अप सेट्स में नहीं करता हूँ। आई डायरेक्टली गो फॉर द हैवीएस्ट वेट आई कैन लिफ्ट। सो गाइज, दिस इज अर्नोल्ड प्रेस कम्प्लीट फेलियर। अभी हम लोग थर्ड एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज इज़ द आइसोलेशन मूवमेंट एंड हम लोग कर रहे हैं लैटरल रेजेस एंड वी आर डूइंग इट विथ 25 LBS प्लेट्स। डंबल से ज़्यादा मैं प्लेट्स प्रीफर करता हूँ बिकॉज शोल्डर्स को ज़्यादा आइसोलेट करते हैं। एंड गाइस, जितना हो सके चीटिंग नहीं करना है, बॉडी को स्विंग नहीं करना है एंड ऊपर एक सेकेंड होल्ड करने का कोशिश करो एंड यू कैन फील इट इन योर डेल्स। इसमें भी आई थिंक 8 to 10 रेप्स के बीच में मैं रेप रेंज रखता हूँ और इसके भी मैं 3 सेट करता हूँ। देन वी मूव ऑन टू फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस में मैं लाइट वेट यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ सम इशू इन माई शोल्डर एंड इसमें मैं रेप्स ज़्यादा करता हूँ एंड इसमें मैं ग्रिप्स की वेराइटी करता हूँ। मीन्स न्यूट्रल ग्रिप, फिर थोड़ा सा ग्रिप चेंज करता हूँ जैसे अभी आप देखेंगे इस वीडियो में। 3 टाइप्स के ग्रिप्स में करता हूँ टू अटैक माई फ्रंट डेल्स इन ऑल द एंगल्स। नाउ सेकेंड ग्रिप, प्लेट को एकदम सीधा पकड़ के, सी यू कैन सी माई लेफ्ट हैंड एकदम सीधा नहीं जाता है जैसा मेरा राइट हैंड जा रहा है बिकॉज ऑफ सम मसल टेयर इन माई लेफ्ट शोल्डर। दिस इज़ अ रीज़न वाई मैं काफ़ी दिन से बारबेल बेंच प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट लेट्स सी, आई होप ये 100 डेज में मेरी रिकवरी हो जाएगी इसमें भी। एंड देन अगेन मैं ग्रिप चेंज करूँगा। यस, ये भी फ्रंट डेल को अच्छे से अटैक करता है एंड ये मैंने काय ग्रीन से सीखा है। काय ग्रीन के वीडियो में मैंने देखा एंड मैंने ट्राई किया एंड आई लाइक दिस मूवमेंट। एंड गाइस सी, ऊपर एक सेकेंड होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा एंड कंट्रोल नेगेटिव एंड कम्प्लीट फेलियर तक जाना इज़ वेरी मच कंपल्सरी। यस, सो वी आर डन विथ अवर शोल्डर ट्रेनिंग। अभी शोल्डर ट्रेनिंग में ख़त्म करता हूँ बाई ट्रेनिंग माई रोटेटर कफ। हाई रेप्स में पुली से एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन करता हूँ विथ लाइट वेट। सो दिस वी आर डूइंग एक्सटर्नल रोटेशन। बॉडी को स्विंग नहीं करना है जितना हो सके। दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, दिस इज़ माई वीक हैंड एंड राइट हैंड से मैं इंटरनल रोटेशन कर रहा हूँ। एंड यही होने के बाद मैं अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता हूँ एंड इंटरनल रोटेशन विथ माई लेफ्ट हैंड एंड एक्सटर्नल रोटेशन विथ माई राइट हैंड। और इसके भी मैं 2 से 3 सेट करता हूँ टिल आई फील द बर्न इन माई शोल्डर्स। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द शोल्डर ट्रेनिंग। और शोल्डर ट्रेनिंग के बाद मैं करने वाला हूँ 20 मिनट्स हाई इंटेंसिटी कार्डियो एंड बस दैट्स इट। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ। दैट्स इट फॉर द डे 10। बाय गाइज, थैंक यू।